सब लोग, मैं बहुत अच्छी हूँ। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कल ही जो है घूम के घर पे आई हूँ गैंगटॉक से। सो आज मैं मतलब जब मैंने ठीक किया था कि मैं गैंगटॉक जा रही हूँ, मतलब जब ठीक हुआ था तभी मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो डालूंगी, तो ये कोई व्लॉग नहीं है। आप तो टाइटल देख के पता ही चल गया होगा, फिर बता देती हूँ कि ये वीडियो तो है व्हाट्स इन माय बैग। मुझे हंसी आ रही है पता नहीं क्यों, पर ये एक चीज़ है कि सब लोग कर रही है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी करती हूँ। जब मैं जाने वाली थी तब सोचा कि मैं ज़्यादातर कहीं पे जाती हूँ, कुछ भी नहीं लेती हूँ, पास में ही जाती हूँ। इतना दूर कभी मतलब शादी के बाद पहली बार इतना दूर ट्रैवल किया, सो तभी सोचा था कि बैग में क्या क्या लेके जाऊँगी, ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर घर आके तो आज मैं जाने वाली हूँ मेरी ससुराल, सो अभी मैं सब कुछ जो है पैकिंग वगैरह सब कुछ अनपैक करके फिर पैकिंग करना है जिस बैग में मैं लेके जाने वाली हूँ घर पे सब कुछ। सो थोड़ा सा जो है इसलिए मैंने सोचा कि अभी सब कुछ, क्योंकि जो बैग मैं दिखाने वाली हूँ वो बैग मेरा नहीं है, वो बैग मम्मी का है, और मेरा बैग मम्मी ने लिया था क्योंकि मेरा वाला थोड़ा सा छोटा था, उसमें मेरा सारी चीज़ें नहीं आ रहा था, तो मम्मी का बैग थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने उसको ले लिया था। तो जो भी हो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी सब कुछ मुझे इससे निकालना है, तो फिर आसानी हो जाए कि आप लोगों को दिखा भी सकती हूँ इसलिए। तो और कल की बात करती हूँ, तो मैं शॉपिंग जब गई थी, सो शॉपिंग से ज़्यादा कुछ मैंने ख़रीदा नहीं, जो ख़रीदने वाली थी वो सब सिर्फ जो है मेरी जेठानी जी की बेटे के लिए एक शर्ट टी शर्ट लिया है हम लोगों ने, और कुछ मुझे हम लोगों को पसंद इतना नहीं आया था, और रात हो रहा था इसलिए चले आए हम लोग, बाद में जाएंगे। और आप लोग देखे होंगे मेरी भैया की जो ये वीडियो था ना एनिवर्सरी वाला, तो उसमें भाभी ने जो पहना था और मैंने जो कुर्ती पहना था एक ही टाइप का, सो वो वाला हम लोगों ने ख़रीदा है दोनों, और भैया ने जो पहना हुआ था वो भी। सो यही था छोटा मोटा सा शॉपिंग, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। सो और मैं थोड़ा सा टायर्ड भी थी, पता है आप लोगों को कि गाड़ी में घूम घूम के पहाड़ों के ऊपर उठते उठते मैंने तो दो बार मतलब उल्टी भी किया मैंने। ये बातें मैं बाद में बताऊँगी, पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे फ़ोन में स्पेस भी कम हो रहा है, सो मुझे सब कुछ लैपटॉप में कन्वर्ट करना होगा जल्दी से। सो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो ये रहा मम्मी का बैग, मतलब मेरा बैग अभी के लिए। सो ये है इस बैग के साथ ऐसा एक, जाने के टाइम पे हम लोगों ने खरीदा, आप लोगों ने देखा होगा ये बैग वाला। सो ये एक पाउच है इसमें, और एकदम सिंपल सा एक देख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा है ये बैग इसलिए मैंने इसको लिया था, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये जो पाउच यहाँ पे लटका हुआ है उसको दिखा देती हूँ। सो इसमें मुझे पता है क्या है, इसमें मेरा हेडफोन है जो कि बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी है, क्योंकि ये मेरा नहीं है, मेरा ननद का है जिसने इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया हुआ है धागे से, मतलब ऐसा किया हुआ है। सो मुझे पसंद आया, मैंने ले लिया उससे। सो ये है हेडफोन जो कि मैंने यूज़ नहीं किया था वहाँ पर जाकर। और अभी मैं दिखाती हूँ इस साइड की चेन में क्या है, मुझे थोड़ा सी चीज़ें मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है कि क्या है, और थोड़ी चीज़ें नहीं पता है इसमें क्या है। सो एक हैंडकरचीफ जो कि बाहर जाने के टाइम बहुत ज़्यादा आप लोगों को, और अभी जो चाहिए होता है मास्क ज़रूर पहनना चाहिए सबको। सो मैं नीचे रख लेती हूँ, बस जल्दी जल्दी दिखाते हैं कितना सारा चीज़ है ना। लो पहले निकला एक सनग्लास जो कि एक प्लास्टिक मतलब जिप लॉक बैग में है, जो कि मेरा नहीं है, मेरे हस्बैंड का है। सनग्लास भी हम लोग वहाँ पे जाके नहीं पहने थे, सो ये वो नॉर्मल सा उसका है, मेरा नहीं है, मुझे भी अच्छा लग रहा है ना। सो उसका सनग्लास मैं फिर से ऐसे रख देती हूँ। हाँ सो ये गया। और नेक्स्ट ये चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाया था तब नहीं बताया था, मैंने एक बार शॉपिंग करने खुद से गई थी तब ये लेके आई थी, क्योंकि जब बाहर निकलती हूँ ना तो थोड़ा सा मुँह को, गाड़ी में अगर मुँह फ्रेश है ना तो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको दिया था हैप्पीडेंट माउथ फ्रेशनर कह सकते हैं आप। नेक्स्ट निकला है जिसमें बहुत सारा बाल है, ये है मेरा हेयर ब्रश जो कि मैं लेके गई थी वहाँ पे। और ये है एक बॉक्स जो कि दिशान का एक टूटा हुआ, यहाँ से टूट गया था, टूटा हुआ पाउडर का बॉक्स है, इसमें मैंने कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो चीज़ पड़ सकती है फेविक्विक
धागा, दो कलर का धागा एंड सुई भी है इसके अंदर, और थोड़ा सा बटन्स वगैरह इसमें है, तो ये चीज़ें काम आता है जब बाहर जाते हो अगर आपका, तो हो ही सकता है कि ये सब ज़रूरत पड़ जाए कभी, अगर ड्रेस फट जाए, हो ही सकता है। और नेक्स्ट निकला है वेट टिश्यू, जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, पहले एक बार ख़रीदा था, बहुत दिन गया था, और ये वेट टिश्यू है दिशान का, जो बड़ा वाला ख़रीदा था, उसके साथ आया था छोटा, मुझे वैसे भी लेना था बाहर जाने के लिए, हाथ पाथ पोंछने के लिए बहुत काम आया ये, उसके साथ मिल गया था एक छोटा, मतलब ऑफर में चल रहा था, तो अच्छा ही हुआ ये छोटा वाला। सब लोग बुलाते हैं तो मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ा, तो लास्ट दिखा था वेट टिश्यू, ज़्यादा देर नहीं करूँगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, और ये एक पाउच छोटा सा, जिसमें मैंने मेरा थोड़ा सा मेकअप था, जिस मतलब जो मैंने यूज़ किया था वहाँ पे जाकर, मैंने सब कुछ नहीं लेके गई थी, मैं वो भी जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। एक लिपस्टिक, मैट लिपस्टिक, एक आईब्रो पेंसिल, एक ब्लश ऑन कॉम्पैक्ट पाउडर, एक और एक लिपस्टिक, काजल, एक्सप्रेस ग्लो, मस्कारा, सीसी क्रीम, और एक लिपस्टिक, और एक आईब्रो पेंसिल, और एक लास्ट था, और एक काजल। सो इसके बाद ये मैंने नहीं खाया था, ये दिशान के लिए ख़रीदा था, एक पीनट बार आप कह सकते हैं, ये खाया हुआ था। और एक है बॉक्स जिसमें है मेरा बॉबी पिंस एंड सेफ्टी पिंस एंड इतना ज़्यादा ये पता नहीं मैंने क्यों लिया था, और एक चीज़ है इसमें, और एक सैनिटाइज़र स्प्रे सैनिटाइज़र लिया था क्योंकि ये आसान होता है, इसको स्प्रे भी कर सकते हैं हाथ में भी और कहीं पे भी कर सकते हैं। पेन पेन है पर कोई डायरी वायरी मेरे पास नहीं है। और नेक्स्ट इसमें से, और एक चेन, ये वाला ख़त्म हो गया चेन, और नेक्स्ट वाला मैं दिखा रही हूँ। इसमें है मेरा पर्स, पर्स में मेरा तो कार्ड वार्ड नहीं है इतना, मतलब आईडी कार्ड वगैरह तो लगता है, थोड़ा सा पैसा वगैरह। और एक चीज़ है मैं जो दिखाने वाली हूँ, वो है एक गीता, क्यूट सा गीता, छोटा सा, मेरे हस्बैंड ने ख़रीदा था तो मैंने इसमें इसको पार्स में रख लिया था, जो बहुत क्यूट लग रहा है इसलिए, और कभी कभी अगर मन खराब हो ना तो गीता पढ़ने से आई थिंक अच्छा होता है ना। यही है पर्स में, मैं जल्दी जल्दी दिखाना पड़ेगा, देर हो जाएगा। ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें रहता है, मेरा बाम, मेरा आई ड्रॉप, विक्स का इनहेलर, और बहुत सारे मेडिसिंस एंड बैंडेड्स एंड हजमोला की पैकेट, मतलब बस इतना कुछ ही है इसमें। अभी नेक्स्ट चलते हैं। ये एक सिंदूर, जो कि भाभी ने मुझे दिया था क्योंकि सिंदूर का कलर बहुत अच्छा जो मैंने पहना हुआ है, सो मैंने बैग में आई थिंक कुछ ही देर पहले ही मैंने इसको डाला था। और एक टेलकॉम, इसको कह सकते हैं आप, और मेरा चार्जर, फ़ोन का चार्जर, एंड एक इसको क्या कहते हैं, ट्राइपॉड वीडियो बनाने के लिए, और इसमें बहुत सारा कॉइन्स, और एक रोल ऑन डिओड्रेंट, एक परफ्यूम, वॉच जो कि ख़राब है, एक क्यूट सा मिरर जो कि बहुत सालों से मेरे पास है, एकदम बचपन से मिरर, कॉटन नेल पॉलिश, और एक छोटा सा क्लिप, और एक बटन। देखिए और कुछ भी मेरे बैग में नहीं है, सब कुछ खाली हो चुका है। यही सब कुछ मतलब था मेरे बैग में, मतलब बैग में मतलब मैंने लेके गया था मैं ये सब,
और ये सब मैं आई थिंक मैं जब भी कहीं और कहीं जाई भी घूमने जाऊंगी सो ये सब चीज़ें मैं लेके ही जाऊंगी, क्योंकि सब कुछ मेरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पाउच जिसमें मेडिसिन वगैरह रहता है थोड़ा बहुत बुखार का, या फिर मम्मी लेके गई थी पेट खराब और कुछ लेके गई थी मेडिसिन वगैरह, तो मैं सिर्फ बुखार वाला लेके गई थी। सो ये वाला ये सब कुछ ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आप कहीं पे घूमने जाओ तो। सो यही था मेरा व्हाट्स इन माय बैग। सो मेरा बहुत दिन से मन था और मैंने कर भी लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो मेरे बैग में, और मेरे बैग में से आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आए हो तो वो मुझे कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, और मुझे देना है बहुत 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 ज़्यादा प्यार। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।